उदाहरण 15, चित्रानुसार एक्स ए समांतर वाई बी समांतर जेड सी। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी जेड बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई सी। उदाहरण 15 पर एक प्रश्न दिया हुआ है जिसकी आकृति आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक्स ए वाई बी और जेड सी, आप यहाँ देखिए एक रेखाखंड, या अब इसको रेखा कह लें थोड़ी देर के लिए, एक्स ए है, वाई बी है और जेड सी है, तीन समानांतर रेखाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है। एक्स ए पैरेलल टू वाई बी और वाई बी पैरेलल टू जेड सी, माने एक्स ए समानांतर है वाई बी के और वाई बी समानांतर है जेड सी, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। और दो त्रिभुजों की रचना यहाँ पर की गई है, आप देखिए, अब इसे हमने लाल से ही संकेत किया है। ये जो तिर्यक रेखाएं एक्स जेड और ए सी हैं, तो इन्हें आधार बनाकर एक त्रिभुज एक्स बी जेड बनाया गया है और नीली स्याही से एक त्रिभुज ए वाई सी बनाया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज एक्स बी जेड, ये जो अभी आपने पहले देखा एक्स बी जेड, ये लाल रंग का त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए वाई सी, त्रिभुज ए वाई सी जो नीले रंग से बनाया गया है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, आपको इस काम को करने में बहुत मज़ा आएगा। आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि हम यदि वाई बी को आधार माने तो आप देखेंगे वाई बी आधार पर दो त्रिभुज ऊपर बन रहे हैं, त्रिभुज ए वाई बी, आप देख पा रहे हैं इसे, दो नीली लाइनें और एक काली लाइन। तो आधार वाई बी पर एक त्रिभुज ए वाई बी बन रहा है और इसी आधार पर दूसरा त्रिभुज एक्स वाई बी बन रहा है, और आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच है। और ठीक इसी तरह से फिर से आधार वाई बी पर दो त्रिभुज इस तरफ बन रहे हैं, उनके शीर्ष इधर हैं, आप देखिए। तो आधार वाई बी पर एक त्रिभुज वाई जेड बी बन रहा है और दूसरा त्रिभुज आधार वाई बी पर ही वाई सी बी बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आधार वाई बी ही है और समानांतर रेखाओं के एक जोड़े वाई बी और जेड सी के बीच दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अभी तक जो आपने किया है कि ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर होगा, और उसी तरह से त्रिभुज एक्स वाई बी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई बी के बराबर होगा। ये आपकी समस्या हल हो गई। यदि आप दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। देखिए, बहुत आसानी से इस काम को हम करेंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आधार वाई बी पर दोनों तरफ जो त्रिभुज बन रहे हैं दो, उनको हमें ध्यान में रखना है, उनके बारे में लिखना है। तो आधार वाई बी पर बनने वाले त्रिभुज हमें ऐसा लिख लें, आधार वाई बी पर बनने वाले त्रिभुज, इनके नाम लिखे हम एक्स वाई बी, त्रिभुज एक्स वाई बी बराबर आप लिख सकते हैं, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यहाँ क्षेत्रफल भी लिख दें, क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई बी का बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई बी का, ए वाई बी। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी आपने कई बार इस बात को दोहराया है कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक जोड़े के बीच जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस बात को हमने इस तरह से गणितीय रूप में लिखा। अब आप वापस नीचे की तरफ देखिए, इसी आधार वाई बी पर फिर से दो त्रिभुज बन रहे हैं जो नीचे की तरफ, जिनका शीर्ष है, एक त्रिभुज है वाई जेड बी और दूसरा त्रिभुज है वाई सी बी। इसको भी हम लिख लें, त्रिभुज वाई वाई जेड बी, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज वाई जेड बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज वाई वाई सी बी के, त्रिभुज वाई सी बी। तो आपने ये दो परिणाम प्राप्त किए। अब
यदि हम इन्हें जोड़ दें तो क्या होगा? देखिए, हम लिखें क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स वाई बी का, इसे इसके साथ जोड़ें, त्रिभुज एक्स वाई बी का धन क्षेत्रफल त्रिभुज वाई जेड बी का, वाई जेड बी का बराबर, समीकरण के दाहिने पक्ष को भी हम जोड़ें तो हमें मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई बी का धन क्षेत्रफल त्रिभुज वाई सी बी का, वाई सी बी का। अब जरा हम देखें कि ये हमें क्या परिणाम देता है, इनको हम चित्र में जाके देखते हैं। एक्स वाई बी, एक्स वाई बी ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे ब्लैक से कलर करता हूँ, ये त्रिभुज, और क्षेत्रफल वाई जेड बी, क्षेत्रफल वाई जेड बी इसे ही मैं आगे करता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमने इस पूरे त्रिभुज की बात की, दोनों को जोड़ने पर हमें एक नया बड़ा त्रिभुज बन रहा है, मिल रहा है, जो एक्स जेड बी के बराबर है। तो हम इस पूरे के बदले हम लिख लें कि त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज वाई जेड बी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एक्स जेड बी का क्षेत्रफल। तो हम इस बात को यहाँ लिखें, त्रिभुज एक्स जेड बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स जेड बी का बराबर। वैसे यहाँ पर देखें, हम यहाँ हम इन दोनों को देखें, त्रिभुज ए वाई बी, त्रिभुज ए वाई बी इसे मैं हरे रंग से कलर करता हूँ, एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज ए वाई बी, त्रिभुज ए वाई बी को हमने रंगा है, और उसके बाद त्रिभुज वाई सी बी, त्रिभुज वाई सी बी इस त्रिभुज को भी हम रंग दें। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा सा जो त्रिभुज है, जो नीले रंग से बना हुआ है, वो पूरा का पूरा हमें प्रदर्शित, हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसे आप लिख सकते हैं ए वाई सी, क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई सी का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए वाई सी, और आप देखिए, यही आपको प्रूफ करना था, क्षेत्रफल एक्स बी जेड बराबर क्षेत्रफल ए वाई सी, जो हमें प्रूफ करना था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम बहुत आसानी से उन प्रमेयों का उपयोग करके इसे हम सिद्ध कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रमेय उन सवालों को, समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है जो त्रिभुज के इन गुणों पर आधारित होते हैं। तो एक कोशिश आप भी खुद से करके देखिए, आप ज़रूर इसे बना